हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू अगेन इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। और व्यूअर, बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ है और हर जगह मतलब इतनी सेल लगी है कि पूछो मत। हर दुकानदार ने सेल लगाई है, जितने भी हमीरपुर दुकानदार है, जो मतलब जो सामान बेचते हैं उसकी इतनी सेल लगाई है कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा सेल लगी है हर जगह। और मतलब इतना क्राउड है, इतना तो मतलब करवा चौथ पे नहीं था और इतना क्राउड है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा क्राउड है। और हम जा रहे हैं आज घर, और सुबह सुबह थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो उसके लिए आ गए थे मार्केट में, और अभी हम जा रहे हैं घर। नाल पूल इज ऑन वर्किंग। चलो हम जा रहे हैं घर अभी। यश इधर देखो, यहाँ पे मम्मी अब गाड़ी की पूजा कर रहे हैं क्योंकि घर में गाड़ी आई है, तो जो घर के सबसे बुजुर्ग होते हैं उनका भी हक बनता है पूजा करने का, और यहाँ मम्मी गाड़ी की पूजा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं धाम खाने, और धाम ऐसी धाम नहीं है, कंटेनर ले रहे हैं, नॉन वेज धाम है, उसको खाने जा रहे हैं। ते कंटेनर ले रहा। हाँ, और मेरे साथ जा रही है ये जा रही है, हम दोनों जा रहे हैं, मैं जठानी और दरानी दोनों जा रही हैं, बहने हम नहीं जाती किसी और के साथ, हम दोनों जा रहे हैं नॉन वेज धाम खाने। ये बोल रही है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग अच्छा ही बोलेंगे कि हम दोनों साथ में जा रही हैं। और हमारा आउटफिट मैं दिखाती हूँ, ये मेरा दिखाई है। और ये आज इसका आउटफिट है जग के लिए दीदी का, ये मेरा आउटफिट है आज का जग के लिए। चलो जग के लिए जाते हैं, मजा आया। ये नॉन वेज धाम का दम बना हुआ था, इसमें सिर्फ जो है मीट होता है। और ये दूसरी सब्जी है, ये है खट्टा बनाया हुआ इन्होंने, इसमें चने और खटंचा बोलते हैं इसको, इसमें चने और मीट ही डला होता है, हड्डियाँ नहीं होती हैं। और ये पोटी आई, पोटी मतलब जो इंटेस्टाइन होती है उसको कड़ी में बनाया होता है। और ये है हड्डियों का बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ढड़ा। क्या ओ मठियो, पीछे का देखा वाला। हेलो, पहले आ सब लोग अंदर।
ठीक है सब भी देखने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना अपने अपने मोबाइल ना ठीक है ना तो डांग ले ले कौन चलांदा YouTube काले ले ले आसे डनियो ना डांग तो मुंह नील कौन है मुंह नील कौन है कौन है ये लोग कहां से आते हैं अभी बात खा के आ गए और नॉन वेज का था जो नहीं खाते उनके लिए वेज भी थी मिठी धाम और जो वेज खाते हैं उनके अलग नॉन वेजों के लिए अलग और देखो बात चलाई रहा मुंडा पर चकीन इधर इधर का मेल अंदर चकीने से ऊंच थकी गई बड़ा ज़्यादा अब घर आ गोबर घोली रहा और पेंट करना है किचन के कमरे को और अब तो रेल बढ़ने जाके किचन का कमरा करना है साफ उसको कराएं खाली और उसको करना है पेंट फिर क्योंकि वो धुआं जैसे ये जलाते हैं ना लकड़ियाँ वगैरह तो उससे हो जाता है वो काला सारा गंदा तो फिर उससे करेंगे अब उसको साफ सफाई और बर्तन वगैरह सारे मेरी दीदी बोल रही है बस कर ये है किचन अभी का किचन सारा सामान कर दिया खाली और ये इधर मेरी बब्बो को ऊपर घोल रही है और ये सारा सामान निकाल दिया किचन से ठीक है अब इसमें करेंगे गोबर और फिर करेंगे इसमें डिस्टेम्पर और फिर आपको बताऊंगी मैं कैसा हुआ हमारा किचन रेडी ये देखो ऊपर से भी सारा छत ब्लैक हो गया धुएं से पर जो मिट्टी के घरों की बात होती है ना वो सीमेंट वाले घरों में नहीं हो सकती कभी भी देखो मेरी बहन क्या एक्सप्रेशन देखो अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या कहाँ बैठा हूँ किससे बात कर रहा हूँ क्या बात कर रहा हूँ समझ में नहीं कंट्रोल उदय फाइनल लुक ये है हमारे किचन का और अभी डिम है लाइट तो उसकी वजह से मतलब अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है और अच्छा कलर